हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग देख रहे थे मैप मेकिंग की क्लासेस, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारी मैप मेकिंग की क्लासेस। यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी गई है आपको, कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो यूज कर सकते हैं आप अपने डाउट क्लियर करने के लिए या फिर हम तक रीच आउट करने के लिए। इसके अलावा कुछ हमारे कोर्सेज अवेलेबल है जिसका कि आप लोग प्रीलिम्स और मेंस दोनों में यूज कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को और बेटर तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज एंड दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज। अगर हम लोग मैप की लोकेशन के बारे में देखें तो हम लोगों ने देखिए D9 की मैप लोकेशन ऑलरेडी आपको दी गई थी और ये कुछ लोकेशंस थी जहां पर छोटा नागपुर प्लेटू, दंडकारण्य प्लेटू, तेलंगाना प्लेटू, मैसूर प्लेटू, कर्नाटका मलनाड और डेक्कन प्लेटू, इन कुछ लोकेशंस के बारे में मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोकेट करिएगा और 30 वर्ड्स लिखिएगा। फटाफट इसके लोकेशन को देखते हैं और उसके बाद से हम लोग अपने 30 वर्ड पे आएंगे। तो आप लोग भी फटाफट अपने एटलस को ओपन कर लीजिए। ये हमारा एटलस है और यहाँ पर जब आप साउथ में आ जाएंगे, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए जब आप साउथ में आएंगे तो आपको देखिए इस इलाके में छोटा नागपुर का प्लेटू मिल जाएगा जो कि झारखंड, फिर आपका मध्य प्रदेश और इधर उड़ीसा, इन तीनों के बॉर्डर एरिया में आपको मिल जा रही होगी। वही अगर साउथ में आएंगे तो देखिए दंडकारण्य मिल जाएगी, दिस इज उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे मिल जाएगा आपको दंडकारण्य। वही अगर नीचे आएंगे तेलंगाना के क्षेत्र में आपको तेलंगाना प्लेटू मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर देखिए आपको कर्नाटक मिलेगा एंड दिस इज वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के नीचे जहां पर भी आपको नीलगिरी डोडा बेटा दिख रही है यहीं पर आपको बेसिकली कर्नाटक प्लेटू मिल जाएगा। यहां पर आप कर्नाटक प्लेटू को लोकेट कर सकते हैं और जो कर्नाटक मालनाड है वो इस एरिया में आपको तेलंगाना के जस्ट अपोजिट में, यहाँ पर तेलंगाना का क्षेत्र है, सॉरी कर्नाटका का क्षेत्र है, वहां पर आप कर्नाटका मालनाड बना सकते हैं। बाकी डेक्कन के बारे में तो पूरा का पूरा डेक्कन ये अपने आप में पूरा का पूरा एरिया ही हो जाता है, तो इसको भी आपको लोकेट करने की सच जरूरत नहीं है। लोकेशन पे वापस आए, अगर मैसूर आपको वही साउथ में जो मैंने कर्नाटका प्लेटू बोला है वो बेसिकली मैसूर प्लेटू है, इस लोकेशन पे आप दिखा सकते हैं। तो अगर एक लोकेशन केवल ली जाए, अच्छा कई लोगों को डाउट ये हो रहा है कि यार प्लेटू को कैसे दिखाया जाए, तो देखिए मैं आपको एक छोटा सा मैप बना के दिखा देता हूँ। सपोज दिस इज आवर इंडिया और ये हमारा साउथ इंडिया का पार्ट है, इस तरीके से यहाँ पर साउथ इंडिया का पार्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमारी झारखंड है, ये मध्य प्रदेश है, ये हमारी छत्तीसगढ़ है और ये हमारी उड़ीसा यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर जो तीनों का बॉर्डर है इस एरिया में आपका आ जाएगा दंडकारण्य। तो आपको लोकेट कैसे करना है, आपको इस तरीके से बनाना है, ठीक है, इस तरीके से आपको एक छोटी सी थोड़ी मोटी लाइन कर लीजिएगा एंड देन अकॉर्डिंगली इसके ऊपर में आपको दंडकारण्य यहाँ पर आप लिख देंगे, दंडकारण्य, क्लियर। सिमिलरली झारखंड के इस इलाके में ऐसे आपने बनाया और आपने लिखा दिया छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है। सिमिलरली देखिए यहां पर आपकी डोडा बेटा वाली पार्ट थी, ये बन जाएगी आपकी मैसूर प्लेटू, क्लियर। तेलंगाना प्लेटू, ये आ गया तेलंगाना प्लेटू, दिस इज तेलंगाना प्लेटू, क्लियर हो गया। कर्नाटका मालनाड, ये हो गया कर्नाटका मालनाड के बारे में, ठीक है। तो कर्नाटका हो गया, मैसूर हो गया, तेलंगाना हो गया, झारखंड वाला पार्ट हो गया, छोटा नागपुर हो गया। डेक्कन प्लेटू के बारे में बात करेंगे तो देखिए ये पूरा इलाका ही है, तो आप इसको बनाना होगा तो इस तरीके से लोकेट कर देंगे और उसके ऊपर लिख देंगे दिस इज डेक्कन प्लेटू, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप लोकेट कर देंगे, दिस इज हाई रीजन, काफी बड़ा है, तो इस तरीके से आप बेसिकली इसको लिख देंगे। लोकेशन पे हो गई है तो आप सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। सॉल्यूशन को देखेंगे छोटा नागपुर प्लेटू के बारे में, द प्लेटू इज स्प्रेड इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, हालांकि यहाँ पर मध्य प्रदेश भी आप लिख सकते हैं, बट ठीक है यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। विद ग्नीस, शेष्ट एंड धारवाड़ सीरीज, यहाँ पर मैंने जियोलॉजिकल टाइम स्केल का थोड़ा सा यूज कर लिया। द रीजन इज मैग्मेटिक ओरिजिन एंड इज रिवर्स रिजर्व ऑफ वेरियस मिनरल रिसोर्स। शिलांग प्लेटू इज ऑल्सो एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर प्लेटू, क्लियर। दंडकारण्य के बारे में बात करेंगे तो इट एक्सटेंड्स टू द बॉर्डर ऑफ छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा एंड ऑल्सो इन द मध्य प्रदेश बॉर्डर एंड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ धारवाड़ सीरीज अगेन, क्लियर है। द रीजन इज डाइवर्सली रिच इन मिनरल रिसोर्स एंड इज रेजिडेंट ऑफ प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, तो बहुत सारे यहाँ पर ट्राइबल्स ग्रुप्स वगैरह रह रहे होते हैं। तेलंगाना प्लेटू के बारे में बात करें तो देखिए इट इज द अपलैंड ऑफ वेस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट, द रीजन इज जोन ऑफ रेड एंड येलो सॉयल, लेकिन ये वाटर स्केयरसिटी फेस कर रहा होता है,
द रीजन इज कल्टिवेशन जोन ऑफ, जितने भी ड्राई रीजन के जितने भी क्रॉप्स हो जाते हैं सारे लिख देंगे यहाँ पर आप, ऑयल सीड लिख देंगे, सोयाबीन लिख देंगे, टोबैको लिख देंगे, कोर्स ग्रेन लिख देंगे, पल्सेस लिख देंगे एटसेट्रा, तो ये रीजन पूरे हो जाएंगे हमारे तेलंगाना के लिए। इसके अलावा अगर आप और भी कुछ लिखना चाहते हैं तो आप ट्राइब्स के बारे में लिख सकते हैं कि यहाँ पर काफी ज्यादा ट्राइबल ग्रुप वगैरह पाए जा रहे होते हैं, गोंड ट्राइब यहीं की ओरिजिन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं मैसूर प्लेटू के बारे में। मैसूर प्लेटू इज पीडमोंट एक्सटेंशन ऑफ वेस्टर्न घाट, तो देखिए पीडमोंट मतलब वही फूट हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट पे ये पाई जा रही होती है। द प्लेटू इज नोन फॉर माइल्ड क्लाइमेट एंड रिच सोर्स रिच हिंटरलैंड दैट मेक्स इट इंडस्ट्रियल इन इट्स इंडस्ट्रियल इन इट्स इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक। यहां पर ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, खैर आप लोग लिख सकते हैं यहां पर। कर्नाटका मालनाथ के बारे में, बसाल्टिक जोन जो होता है कर्नाटका का, और ये भी अगेन धारवाड़ बेस का ही बना है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल में ये भी धारवाड़ बेस में आ जाता है। द रीजन इज ब्लैक सॉइल एंड इज नोन फॉर माइल्ड क्लाइमेट, और इस वजह से यहाँ पर कॉटन काफी ज्यादा हो जाती है और शुगर केन एक इंपॉर्टेंट प्रोड्यूस निकल करके आ जा रही होती है। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो ये थी हमारी पूरी की पूरी मैप मेकिंग की सीरीज आज के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो से पहले कल की लोकेशन आप लोग फिर से ले लीजिए। कल की लोकेशन है आपको, अब हम लोगों ने माउंटेन कर लिया है, हम लोगों ने प्लेटूज कर लिए हैं, अब हम लोग जरा आते हैं पासेस पे। तो पासेस में अगर देखेंगे तो आप क्लिक पास दिखाइएगा, मिनाटाका पास दिखाइएगा, खुरजरे पास दिखाइएगा, अगिल पास दिखाइएगा, काराकोरम एंड छांगला पास। लोकेशन के लिए मैं आप लोग को बता देता हूँ, सारी ही लोकेशन आपको ट्रांस हिमालयन में मिलेंगी, सारी की सारी ट्रांस हिमालयन है, एटलस में आपको नहीं मिलेगा जल्दी देखने को। तो आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, गूगल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको धीरे धीरे लोकेशन सारी ही याद हो जाएंगी। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।